गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका तहे दिल से स्वागत कर रही हूँ ज्योति की कुकिंग पाठशाला में। और आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ वाले पूड़े, इसे हम मीठे चिल्ले भी बोल देते हैं। तो चलिए बनाते हैं गुड़ के पूड़े। गुड़ के पूड़े बनाने के लिए मैंने आधा बाउल से ज्यादा गुड़ लिया है और इसे हमने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और एक बड़ा कप गर्म पानी लिया है। सबसे पहले हमें एक बड़ा बाउल लेना है और बाउल के अंदर हम सारे ही गुड़ को डाल देंगे। अब मैं इसके अंदर एक बड़ा कप हल्का गुनगुना गर्म पानी डाल रही हूँ। गर्म पानी डालने से गुड़ बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है। आप इसकी जगह ठंडा पानी भी डाल सकते हो, पर उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। हमने एक घंटे के लिए इसे ढक करके रेस्ट पे रख दिया है। यहाँ पर एक घंटा हो चुका है। प्लेट हटाते हुए हम दोनों ही चीजों को चेक कर रहे हैं। चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से गुड़ को चेक कर रहे हैं। गुड़ मेल्ट हो चुका है, हल्की हल्की इसमें गुड़ की गांठें रह गई हैं। उसे भी हम चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे। 20 मिनट के लिए इसे ढक करके दोबारा से रख देंगे। यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। प्लेट हटाते हुए हम गुड़ को चेक कर रहे हैं। चम्मच से हिलाते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है और पानी के साथ कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। गुड़ के पूड़े या फिर गुड़ के चिल्ले बनाने के लिए देख लेते कि हमें क्या क्या चाहिए है। ये है गुड़ का मिश्रण, एक बड़ा बाउल गेहूं का आटा है और एक छोटा बाउल के करीब देसी घी है। सभी चीजों को हम जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने गुड़ के सिरप के अंदर गेहूं का आटा डाला है। आप इसे गुड़ का सिरप या फिर मिश्रण, दोनों ही चीजें बोल सकते हो। इस चीज में आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। मैंने अभी इसके अंदर 5 चम्मच गेहूं का आटा डाला है और हम इसे पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर हमें कम लगता है तो हम इसके अंदर बाद में और आटा ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैं कितने अच्छे से गुड़ के सिरप के साथ आटे को मिक्स कर रही हूँ। बीच में हमें कोई भी गांठ नहीं रहने देनी है। तो देखिए, अभी गुड़ का सिरप काफी पतला है तो इसके अंदर अभी हम थोड़ा आटा और ऐड कर रहे हैं। हमने 5 से 6 चम्मच के करीब इसके अंदर गेहूं का आटा और डाल दिया है, यानी कि हमने एक मीडियम साइज का पूरा ही बाउल आटा इसके अंदर डाला है। अब हम इस झरनी से दोनों ही चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके अंदर हमें बिल्कुल भी गांठ नहीं रहने देनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि गुड़ के मिश्रण के साथ आटा कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर थोड़ा देसी घी ऐड कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डालिएगा, नहीं तो आप स्किप कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर छोटी 4 चम्मच के करीब देसी घी डाला है और सभी चीजों को झरनी से मिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और गुड़ के पूड़े या फिर चिल्ले के लिए पेस्ट बनकर के तैयार है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। 10 मिनट हो चुकी है। आप देख सकते हो कि ये है रिफाइंड ऑयल और ये है हमारा गुड़ के पूड़े का मिश्रण। अब हम बनाएंगे गुड़ के पूड़े। सबसे पहले हमने एक तवे को गैस पे चढ़ा दिया है और तवे को थोड़ा गर्म करेंगे। तवा यहाँ पर गर्म हो चुका है और एक चम्मच मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाला है और चम्मच से फैलाते हुए तवे की ग्रीसिंग कर देंगे, जिससे कि हमारे पूड़े तवे के ऊपर चिपकेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक बार फिर से गुड़ के मिश्रण को अच्छे से चम्मच से हिला दिया है, अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर दिया है। अब हम एक बड़ी चम्मच के करीब तवे के ऊपर मिश्रण डाल रहे हैं
और चम्मच से फैला रहे हैं। आप देख सकते हो कि कितने आराम से हमारा गुड़ का मिश्रण तवे के ऊपर फैल गया है और अब हम इसे कुछ देर के लिए पकने देंगे। चम्मच से पूड़े के चारों ही तरफ रिफाइंड ऑयल डालेंगे और साथ ही साथ पूड़े के ऊपर भी थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे, जिससे कि पूड़ा तवे के ऊपर चिपके नहीं और अच्छे से पक जाए। अब हम पलटे से चारों तरफ से आराम आराम से छुड़ाते हुए इस पूड़े को पलट देंगे। आप रिफाइंड ऑयल की जगह देसी घी या फिर सरसों का तेल या फिर कोई भी तेल जो आप यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर हमने पूड़े को पलट दिया है। आप देख सकते हो कि हमारा पूड़ा लाइट गोल्डन हो चुका है और कितने ही अच्छे से पक चुका है। अब हम दूसरी साइड से भी इसी तरह से पूड़े को पकाएंगे। मैं आपको प्लेट में निकालते हुए पूड़े को दिखाना भूल गई थी और अब हम दूसरा पूड़ा भी इसी तरह से बना रहे हैं। मैं आपको एक पूड़ा और बना करके दिखा रही हूँ। तो देखिए हमने इसके ऊपर कितने अच्छे से पेस्ट को फैला दिया है और हम इस साइड से इसे कुछ देर के लिए पकने देंगे। आपको अगर सौंफ पसंद है तो आप गुड़ का पेस्ट जिस टाइम पे तैयार कर रहे हो इसके अंदर आप आधा चम्मच के करीब सौंफ डाल लीजिएगा और पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मैंने स्किप किया है और आप देख सकते हो कि मैं चम्मच से दोबारा से पूड़े के चारों तरफ रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ और साथ ही साथ मैंने पूड़े के ऊपर भी थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। और पलटे से हम चारों ही तरफ से इसकी किनारियों को छुड़ाते हुए दोबारा से पलट देंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो ये पूड़े लोहे के तवे पे बनाए जाते हैं और सरसों के तेल में बनाए जाते हैं, पर आजकल सरसों का तेल काफी कम लोग खाते हैं इसलिए मैंने स्किप किया है और मैं आपको रिफाइंड ऑयल के अंदर इसे बना करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हो कि हमारा पूड़ा एक तरफ से बनकर के तैयार है। हरियाणा में इसे पूड़े बोलते हैं और काफी जगह इसे गुड़ के चिल्ले बोलते हैं। काफी बच्चे इसे मीठी रोटी भी बोलते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं। और दोनों ही तरफ से पलटते हुए और पलटे से थोड़ा सा प्रेस करते हुए हमने इस पूड़े को भी अच्छे से पका लिया है। यहाँ पर हमारा पूड़ा बनकर के तैयार है और ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पक चुका है। अब हम इस स्टेज पे इसे एक प्लेट के अंदर निकाल रहे हैं और आप देख सकते हो कि हमारे कितने पूड़े बनकर के तैयार है। आप इस पेस्ट से अगर इसी साइज के पूड़े बना रहे हो तो 10 से 12 आपके पूड़े बनकर के तैयार हो जाएंगे। हरियाणा में काफी बड़े बड़े पूड़े बनाए जाते हैं, तो अगर आप बड़े पूड़े बनाते हो तो आपके इस पेस्ट से कम 6 से 7 पूड़े बनकर के तैयार हो जाएंगे। और इसी तरह से हम सारे ही पूड़ों को बना करके तैयार कर लेंगे। ये पूड़ा भी अच्छे से पक करके तैयार हो चुका है, इसे भी हम प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने गर्मा गर्म गुड़ के पूड़ों को सर्व कर दिया है और इतने पेस्ट में हमारे 10 से 12 गुड़ के पूड़े बनकर के तैयार है। आप गुड़ के पूड़ों को सर्दी या फिर बारिश के मौके पर बनाइएगा, उन दिनों में इनका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा लगता है। और आम के अचार के साथ इसे सर्व किया जाता है। आम के अचार के साथ इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है और काफी डिफरेंट इसका टेस्ट रहता है, जो सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है। यहाँ पर मैंने आपको एक पूड़े को उठा करके दिखाया है। दोनों ही साइड से मैंने आपको पूड़ा दिखाया है कि कितने अच्छे से दोनों ही साइड से पक चुका है। अब बिल्कुल परफेक्ट हमारे पूड़े बन करके तैयार हो चुके हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक पूड़ा तोड़ करके दिखा रही हूँ कि हमारे पूड़े कितने बेहतरीन तैयार हुए हैं और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। आपके यहाँ पर इन्हें क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखने में जितने यम्मी है खाने में ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारे गुड़ के पूड़े बनकर के तैयार हैं। देखने में जितने लाजवाब है खाने में ये बहुत ज्यादा टेस्टी है और ये हमारे शरीर के लिए काफी हेल्दी है। तो फ्रेंड्स, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके गुड़ के पूड़े कैसे बने और घर परिवार में सभी को कैसे लगे। अगर आप नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
और मेरे चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो अगर अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आगे शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम लिंक है, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।